इस घर के लिए बर्बादी का सबब बनेगी। वो यहाँ आ जाएगी ना तो बस बर्बादी हो जाएगी इस घर की। नहीं मानता शहजाद, बहुत समझाया है मैंने लेकिन वो कहता है नीलो से ही शादी करनी है, क्या करूं अब? पता नहीं इस गधे बेवकूफ को उसमें ऐसा क्या नजर आ गया जो उस पे सदके वारी जा रहा है। इसको ना लग जाएगा पता, बहुत अच्छे से लग जाएगा पता जब वो कल को यहाँ पे आएगी। मैं तो इसीलिए समझा रही हूँ कि कल को इसे पछताना ना पड़े। वाह अभी, बड़ा एहसास है तुम्हें मेरा, बड़ा शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन एक बात बता दूं, नीलो से शादी के बाद ना मैं पछताऊंगा तो ये फसाद डालने ना बंद कर दूं। और अगर इतना ही मसला है ना तुम्हें कि नीलो तुम्हारी भाभी ना बने तो मत आना मेरी शादी में। शहजाद सुन लिया अम्मी आपने, मुझे कह रहा है कि मैं इसकी शादी पे मत आऊं। अभी तो वो नीलो चुड़ैल आई नहीं है इस घर में, तो ये हाल है। वो आ जाएगी तब क्या होगा, इसी खतरे से आगाह कर रही थी मैं आप लोगों को, मगर मेरी इस घर में सुनता ही कौन है। अम्मी उनकी मौजूदगी में साफ साफ आपको एक बात कह देता हूँ मैं, आज कह दें फसाद डाल लेना या आया ना करें, नीलो के खिलाफ ना मैं कोई एक बात नहीं सुनूंगा। सुन लिया तुम? अगर अब तुम अपनी इज्जत करवाना चाहती हो ना तो अपना तरीका बदल लो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी तुम्हारे लिए कल कुछ ना बोल सकूं। सही है भाई सही है, आप ना मुझे ही सुनाया करें, अपने लाडले बेटे के सामने बोलने की तो आपकी जरूरत ही नहीं है। यही यही बातें थी जिनसे मैं आप लोगों को आगाह करती थी, लेकिन आप लोगों को तो भुगतना है, भुगते हैं भाई। मेरा तो दिल रोता है ये सोच सोच कर कि वो आ जाएगी तो क्या बर्बादियां करेगी। एक बात आप लोग कान खोल के सुन ले, वो जब यहाँ पे आएगी ना मैं नहीं आऊंगी यहाँ पे, बस बात खत्म हो गई। साइमा बस मर गई साइमा आपके लिए, यही समझ लीजिएगा। कमबख्त नीलो, मुझे तुम्हारे बाप की जरूरत थी, सारी जिंदगी हो गई मेहनत कर कर के उसकी जरूरतें पूरी कर कर के, और आज मुझे जरूरत है, पता नहीं वो कहाँ है, किसके सहारे लड़ूं मैं अपने जवान बेटे से, बताओ मुझे। मुझे शहजाद की जरूरत है इस दुनिया में जीने के लिए, इस घर को जरूरत है। अगर कोई औरत बेवा हो जाती है ना तो ये दुनिया उससे हमदर्दी करती है, तरस खाती है, लेकिन अगर किसी का शौहर उसे छोड़ देना तो फिर जीने नहीं देती। आप लोगों को नहीं समझ में आ रही ना मेरी बात, लगेगी समझ। बहुत चुड़ैल, मेरा ही घर मिला था और मेरा ही भाई मिला था इस कमीनी को।